हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 में आज हम पढ़ने वाले हैं अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिकायाः जिज्ञासा का अर्थ होता है अनारिका की जिज्ञासा। अनारिका नाम एक लड़की का है जिसकी जिज्ञासाओं के बारे में इस पाठ में बताया गया है। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में बहुत सी बड़ी जिज्ञासाएं हैं, महती यानी बड़ी। अतः सा बहुन प्रश्नानां पृच्छति। अतः इसलिए वह सा यानी अनारिका बहुत से प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भवति। तस्या अर्थात किससे, अनारिका की प्रश्नों से सभी लोगों की बुद्धि चकरा जाती है। मतलब सभी लोग कैसे हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो उनको आंसर सोचता नहीं कि क्या आंसर करे, इस तरह के उसके प्रश्न रहते हैं, इसलिए उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं भी होती रहती हैं। प्रातः उत्थाय स अनुभवत यत तस्याः मनः प्रसन्नम नास्ति। प्रातः उत्थाय मतलब जब सुबह उठती है तब, तो सुबह उठकर वह यह अनुभव करती है कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविद विनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिर् आगच्छति। मन को बहलाने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए वह घर से बाहर घूमने के लिए जाती है। भ्रमण काले सा पश्यत यत मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। भ्रमण काल मतलब घूमते समय उसने देखा कि मार्गा, यहाँ पे मार्गा है अर्थात बहुवचने, तो जितने भी मार्ग थे वे सारे मार्ग सुसज्जित हैं, मतलब सजाए हुए हैं। सा चिंतयति किमर्थम यतम यम सज्जा। वो सोचती है कि इसलिए इनकी सजावट किस लिए की गई है। सा स्मरत यत अद्य तु मंत्री आगश्यन्ति। अब उसे ये ध्यान में आता है कि आज तो मंत्री आने आ रहे हैं, आज उसके गांव में या शहर में आज तो मंत्री आएंगे। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषय तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा। अब वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, वो मतलब कौन, मंत्री। मंत्री यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, यह मन उसके मन में अब जिज्ञासाएं उठने लगी कि अब मंत्री क्यों आ रहे हैं, सज्जा क्यों की गई है, इतनी सजावट क्यों है। गृहम आगत्य घर आकर सा उसने पितरम अपृच्छत। घर आकर उसने अपने पिता से पूछा, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत, पिता ने कहा, पुत्री नद्या उपरि नवीन सेतुः निर्मति। नदी के ऊपर एक नया पुल का निर्माण किया गया है। तस्य उद्घाटनार्थ मंत्री आगच्छति, उसी के उद्घाटन के लिए आज मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर से प्रश्न किया, पितः किं मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्। उसने प्रश्न किया कि पिता क्या मंत्री ने इस सेतु का निर्माण किया है, सेतु मतलब पुल। तो वो पूछती है कि पिता क्या इस पुल का निर्माण उस मंत्री ने किया है। पिता अकथयत, पिता कहते हैं, नहीं पुत्री, नहीं पुत्री, सेतु का निर्माण मंत्री ने नहीं किया है। सेतो निर्माणम कर्मकाराः अकुर्वन्, इस पुल का निर्माण कर्मकरो अर्थात मजदूर वर्ग, मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्नः आसीत, फिर से अनारिका ने प्रश्न किया, यदि कर्मकारा से तो निर्माण अकुर्वन तत्ता मंत्री किमर्थम आगच्छति। यदि मजदूरों ने मिलकर इस पुल का निर्माण किया है तो फिर मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत, पिता कहते हैं, यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री, वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतो निर्माणाय प्रस्तारित प्रस्ताराणि कुतः आनी आयान्ति, किम तानी मंत्री ददाती। फिर उसने प्रश्न किया, किसने